कान दीजिए, नजर ना लगे। तो देखिए वहाँ पर हंडी में बनाया हुआ है चित्र, कंप्लीट नहीं हुआ था, थोड़ा सा दिखा पाई थी। और जितना तेज पक्षियाँ बोल रही हैं आज, इतना हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो दीदी भैया हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा, लास्ट तक वीडियो देखना प्लीज़, आप सबको अच्छा लगेगा। नमस्ते कर लो, नमस्ते तो गुंजन चाय रख दी मैं पकने के लिए। अभी मैं कपड़ा धो रही थी और नहाने में लगी हुई थी, तो सुबह भी थोड़ा धान बैठाने को जाना पड़ा, बच गया था, कल भी बैठा दिए हैं। तो आप सबको दिखाएंगे कितना हमारा धान बैठा है। तो पहले खाना बना लेते हैं हम सब जल्दी से, तेल लगा लेते हैं बाल में, कंघी करना है। तो चाय रखी गुंजन, तो सब लोग काल को मेहनत किए, आज भी मेहनत किए। आज हमारे घर में करेला सब्जी बनेगा। चार पक्ष का जा रहे हैं छानने सभी गिलास में, तो हम यहाँ पे चाय को छान रहे हैं। गुंजन चाय को छान रही है और आज चाय 10 बजे के टाइम में हम सब पी रहे हैं। हम जा रहे हैं दवा के लिए, आज फिर जाना पड़ेगा। देखिए बारिश आने वाली है, वैसे बदली छाई है, तो बदली छाई हुई है, सूर्य भगवान बिल्कुल नहीं निकले हैं। दिखाओ, तो आज हमारे घर चूरा चला गया है, तो चूरा को यहाँ पे हम भून दिए हैं। तो आप जा रहे हैं सभी कटोरी में निकालने जा रहे हैं, कटोरी में निकाल रहे हैं चूरा को। तो चाय बन गया है, सब लोग पीने जा रहे हैं। तो आज चाय और चूरा, माँ चाय पी दीजिए, माँ चाय खा लीजिए, माँ की आकर चाय पीने। तो आप सबको चाय पीने के लिए बुला रही हैं सब लोग। सारा कपड़े में मिट्टी सब लग गया था ढेर सारा, तो बहुत टाइम लगा धोती हुई हमें पूरे परिवार का। यहाँ कपड़ा फैला रहे हैं और सब धान बैठाए, मिट्टी लगा के आए थे, तो यहाँ धो के रख दी हूँ डिब्बे में। तो सब टप में डिब्बा भिगाई हूँ, नदी के डिब्बे भिगा दी हूँ धुलने के लिए। उधर मच्छरदानी भिगाई हूँ, वो भी धुल दिए हैं। कपड़ा धुल के रखी हूँ कुर्सी पे, तो यहाँ पूरा कपड़ा फैला देते हैं। तो दोस्तों पूरा कपड़ा इधर फैला दी हूँ वहाँ तक, और अभी बूंदाबांदी होने लगेगा तो छांव में फैलाएंगे। और सुझाव आया था संगीता बहन, आप उस पर लाकर टांग दीजिए, नज़र ना लगे। तो देखिए वहाँ पर हंडी में बनाया हुआ है चित्र, तो कुछ इस तरह लगाया गया है। आप सब बताना ये वाला अच्छा है कि नहीं। तो ले आई थी मैं मार्केट से, मैं पहले ये सब बातों पे विश्वास बिल्कुल नहीं करती थी, लेकिन अब जब से मैं बीमार रहती हूँ, हमारे आसपास के लोग जो भी बताते हैं कि ये कर लो ठीक हो जाओगे, आप सब भी बताते हैं, तो मैं ज़रूर ध्यान में रखती हूँ। तो ऐसा है कुछ, अंजलि सब खड़ी हैं देखने के लिए, निकल पड़ी हैं। क्या देखी अंजलि? का लाग है छत पे भुरकी, हंडी लगी है। तो दोस्तों इधर साइड का अभी इसको बराबर मिट्टी नहीं कर पाए, ओबड़ खाबड़ पड़ रहा है, सब अच्छा नहीं लग रहा है, सब दिख रहा है। और ये हम लाए थे, देखिए गमला इधर कर दी थी, तो सब पौधा तो अच्छे से हो गया है, ऐसा बात नहीं है कि ख़राब हो गया है। तो यहाँ पर और कुछ गमले में फूल आया हुआ है, देखिए लकड़ी लगा के बांध दी थी, तो हमारा पौधा सीधा सीधा बड़ा बड़ा सा दिख रहा है, इधर उधर फैला नहीं है। तो चलते हैं किचन का काम करते हैं, लेकिन थोड़ा और दिखा देते हैं आप सबको। काम में हम सब लगे थे, थोड़ा हमारा नुकसान हो गया है। तो यहाँ पर बालू इतना सारा
कुछ बालू बह गया है और बारिश अधिक 3 दिन लगातार हुआ, तो बारिश में अगर हम सब इसको हटाते तो और बहता। तो सोचे जो भी पड़ा रहेगा बचेगा तो निकालेंगे, तो इतना बालू सब बचा हुआ है इसको छानना पड़ेगा और खर मिट्टी सब लग पड़ गया है। तो 4 बोरा बालू बह गया है, सीमेंट वाला बोरा यानी 1 क्विंटल के करीब में, तो इतना नुकसान हो गया। और इसको संभाल के रखना है, फिर घर पे ले जाएंगे तो रख देंगे तो कूड़ा ही दिखेगा। सोच रहे हैं कि कहाँ, बोरी में भर के रखते हैं तो सड़ जाता है बोरी, यही हाल है। तो यहाँ पर इतना बालू है, यहाँ पर मैं इसलिए खड़ी हूँ कि चंदन के पापा तौलिया लपेटे हैं, शर्ट बिल्कुल नहीं पहने हैं, तो अच्छा नहीं लगेगा आप सबको देखते हुए। तो बटोर रहे हैं, हम चलते हैं खाना बनाने का काम करते हैं। तो अभी आप सबको दिखाई, वहाँ बालू बटोर रहे हैं और आ गई किचन में, परवल को फ्राई करेंगे। परवल को डाल देती हूँ, आज फ्राई करके परवल बनेगा। तो चलाते हुए परवल को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों आज बच्चे स्कूल नहीं गए और धान बैठाना बहुत ज़रूरी था तो इसलिए नहीं जा पाए। और आप सब बोलोगे आप सब बैठा लेते तो ऐसा है सब लोग मिलकर बैठाए, और पैसा अगर हम मजदूर लगाते तो पैसा लगता, तो समझ सकते हैं सब देखना सोचना पड़ता है। अब कल से ये सब स्कूल जाएंगे, इस बीच में 2 दिन स्कूल गए, कॉपी किताब भी लाना ज़रूरी है। यहीं पे मसाला को डाल देते हैं, परवर को टमाटर को फ्राई कर लिए हैं, मसाला को अच्छे से पका लेते हैं। तो मसाला हमारा अच्छे से पक गया है, यहीं पे डाल देते हैं सब्जी और आलू को और अच्छे से चला देते हैं। टमाटर भून रहे हैं, तो यहीं पे नमक को डाल देते हैं और अच्छे से चला देते हैं। नमक पानी मसाला सब डाल दी हूँ, ढक देते हैं सब्जी को, 10 मिनट तक सब्जी को पका लेते हैं धीमी आंच में। तो खाना बन चुका है, सब्जी भी हमारा अच्छे से बन गया है, जैसी सब्जी बनाए हैं। कटोरी में डाल ली हूँ यहाँ पर चावल रोटी, चलते हैं खाना खा लेते हैं हम सब। खाना खाओ अंजलि, गिलासा बटोर रही है प्लास्टिक वाला। तो हम सब खाना खा चुके हैं, तो दोस्तों खाना बना लिए हैं सब लोग, खा चुके भी हैं। चलती हूँ आपको खेत में दिखाती हूँ, कल थोड़ा सा वीडियो शूट की थी पूरा नहीं डाल पाई थी, तो आज पूरा दिखाएंगे। तो खेत में आ गए हैं, यहाँ का रोपाई देखिए पूरा हो गया है उसी तरह से, और पंछियाँ सब बोल रही हैं, क्या कहते हैं टीचर? तोता, जंगली तोता है हमारे यहाँ, इसको गांव के भाषा में सुग्गा बोलते हैं यानी पैरट को। तो देखिए आप सबके वहाँ किस किस नाम से जाना जाता है बताना, ये आ गए तो हमें याद आ गया। तो मैं 3 नाम जानती हूँ, सुग्गा तोता पैरट। तो दोस्तों अब की बार इतना धान का बिया जो है बच गया है, इसको उखाड़ के फिर यहाँ धान की रोपाई करना है। तो आप सबको दिखाई, कल बैठा रहे थे तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, थोड़ा सा दिखा पाई थी। और जितना तेज पक्षियाँ बोल रही हैं आज उतना हम नहीं बोल पा रहे हैं, बहुत ढेर सारा। दोस्तों हम आप सबको पहले क्लिप में सुबह ही बताई कि हमें दवा लाने जाना है, तो आज मैं जल्दी वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। तो कल वाले कमेंट में आप सब बहुत अच्छे से कमेंट किए, सबको तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह अपना साथ सपोर्ट देते रहिएगा, और कोई गलती होगा तो माफ़ करना।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।